सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से पशुपालक भाइयों का एक नई वीडियो के साथ और एक उत्तम जो क्वालिटी का पशुधन लेके हाजिर हुए हैं उसी में आप सभी भाइयों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बारंबार वीडियोज के जरिए प्रयास रहता है कि हर उस पशुपालक के यहाँ से हम वीडियो लेके आए जो अच्छी और उमदा क्वालिटी का पशु, चाहे वो सेल परचेज का काम करने वाला हो या अपने फार्म पे तैयार करने वाला हो। तो आज इस वीडियो को जो भी भाई स्क्रीन पे पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें ताकि वहाँ भी आपको वीडियोज हैं वो मिलती रहें। आज फिर से पानीपत जिले से वीडियो आ रही है भाई के यहाँ से। पहले भी एक दो दांत जोटी की वीडियो आई थी जिसको पशुपालकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, तो आज आपको मिलवाते हैं, डिटेल से जानकारी लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि काफ़ी अच्छा पशुधन रखते हैं। नमस्कार अनु भाई, सबसे पहले तो अपना गांव का नाम बताएं। चुलकाना गांव, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा जी। तो अपने पास आज कितनी भैंसे हैं? अच्छा, पहले नंबर वाली बिक्री के लिए कितनी पैसे हैं? बिक्री के लिए तो बहुत सारे रखा हूं। अच्छा अच्छा, तो पहले नंबर पे भैंस है, कौन से बात की है भाई? थर्ड ब्यात की। तो पिछली बार कितना क्या कुछ दूध निकाल रखा है? अच्छा, गवर्नमेंट के नाम रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा, 28 किलो 100 ग्राम का रिकॉर्ड है। 28 किलो 900 ग्राम, कोई भी भाई ऑनलाइन सर्च कर सकता है। तो अभी कितने दिन की ब्याई हुई होगी? एक हफ्ते की। अच्छा, साथ में बच्चा क्या है? मेल है भाई। और कितना दूध आज तैयारी का है? 17 किलो। 17 किलो दूध, 17 किलो कांटे के तोल का, कांटे के तोल का। क्योंकि अगर 17 किलो 15 किलो दूध से पलस उठेगी तभी इतने दूध भी पहुंच पाएगी। एक बार खोलना भाई इसको, ये देखिए जी। एक बार आप पशुपालकों को इसका जो संपूर्णतः व्यक्तित्व दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल सींग है वो शरीर पे जमता हुआ, ताजी ब्याई हुई है। थोड़ा बच्चे के लिए जरूर कर रही है लेकिन आज 6-7 दिन की ब्याई हुई में 17 किलो दूध कांटे के तोल का तैयार है। थर्ड लैक्टेशन है, ये देख सकते हैं आप। जो पीठ पुट्ठे की बनावट है या जो थनों की बात करें, बहुत ही शानदार। पीछे से जो अड्र की क्वालिटी है, थनों की क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी। ले आओ जी, ये देखिए जी, खाली होते हुए इतना जोश पशुधन में अभी है कि एक अच्छे दूध वाला जो पशु होता है उसको प्रमाणित जो कर रहे हैं पशुधन अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। साथ में अकेला दूध दूध नहीं, ब्यूटी में भी काफ़ी ज़्यादा आप इसलिए मान सकते हैं क्योंकि पहले भी जो कंपटीशन में चैंपियन रह चुकी है ये भैंस। और 28 किलो 900 ग्राम का HLDB का जो रिकॉर्ड, साथ में आप इसके मेल काफ देख पा रहे हैं, ये मेल काफ साथ में है। ये देखिए जी, बहुत ही शानदार जो अड्र की बनावट इसकी, साथ में ये देखिए जो मेल है। क्योंकि इन भैंसों से अच्छे बच्चे तैयार करने की जो एक हम बात करें नस्ल सुधार पे जो काम करना चाहते हैं वो ऐसी ही भैंसें कर सकती हैं जो दूध के साथ साथ में ब्यूटी भी हो। तो ये भाई साहब कौन से कंपटीशन में मान लो इसने पोजीशन ली है, या मिल्क ब्यूटी में थी ना? मिल्क ब्यूटी में थी। कौन कौन से सन में जीती है? 2017 में। अच्छा अच्छा, 2017 में मिल्क ब्यूटी में इसार जो कंपटीशन था उसमें फर्स्ट पोजीशन इस पशुधन की। और उसका बिल्कुल रिकॉर्ड बनाने में मेहनत लगती है जी, ऐसे बोलने को तो सबकी बहस। 900 ग्राम का HLDB का रिकॉर्ड जी जी जी। तो आप देख सकते हैं साथ में जो इतना दूध देने वाली भैंसे, काफी पशुपालक बोलते हैं 20 किलो की भी भैंसे नहीं होती। ऐसी ऐसी भैंसे हमारे पशुपालकों के पास हैं जो HLDB में रिकॉर्ड करवाते हैं या
लाइव चलाते हैं, तो इस बार तो HLDB में नहीं, लाइव ही चलाओगे जो दूध होगा, क्योंकि दूध ब्यात ब्यात में अलग अलग आप मान सकते हैं फर्क होता है। पशु की सेटिंग आने पे दूध होता है, अगर सेट हो जाए तो पशु ज्यादा भी निकाल दे या ना भी पहुंच पाए उस कैपेसिटी तक। इस बार उम्मीद अच्छा जी 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 दो पिछली जो वीडियो है वो इस वीडियो में हम साथ में ऐड करेंगे ताकि सत्रह किलो दूध है जी जी। ये देखिए जी, जो पीछे का भैंस का सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, जो नसें आपको इसके शरीर में दिख रही हैं काफी चौड़े पुट्ठे की और टाइट लेवे की है, जो टूटे हुए जो अडर होते हैं वो इतने दूध में सक्षम शायद नहीं हो पाते। ब्यूटी भी है और मिल्क का एक लाजवाब कॉम्बिनेशन। उम्मीद करेंगे अच्छे दूध पे अगर चलती है तो चैनल पे लाइव जरूर चलाएंगे। साथ में इधर एक और भैंस देख पा रहे हैं, ये भाई साहब ये कौन से भैंस की है? अच्छा अच्छा सेकंड ब्यात की है। इसमें कितना दूध है? कितने 16 किलो दूध। एक बार खोल के लिया कराना इसको। सेकंड ब्यात की है, 16 किलो दूध है तैयारी का और चुवाई की काफी अच्छी बता रहे हैं, बिल्कुल छोटे सींग की और अभी आई है इनके पास। ये देख सकते हैं जी, नीचे से बहुत अच्छी है भैंस, नीचे की जो बनावट है इसकी ये देखिए, नीचे से लेवा बहुत ही शानदार है। ले आओ भाई साहब, ये देख सकते हैं अच्छे अच्छे पशु दिखाए। पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें दो दांत जोटी जो भाई ने दिखाई थी उसमें भी 17-18 किलो दूध कांटे के तोल का तैयार था, दो दांत जोटी थी। काफी पशुपालकों ने वीडियो को भी पसंद किया था, मेरे को पर्सनली भी कॉल किए थे कि आप जोटी दिलवाइए, लेकिन उस टाइम तक अंकुर भाई हैं जो प्रांसवाड़ा कैथल से, उन्होंने जोटी को खरीद लिया था। तो इसका रेट क्या रखे अनु भाई? अच्छा आज इतने दूध पे 1.25 लाख रुपए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसे पशुपालक है जिन्होंने साथ में ये रेट कहा है कि आज का रेट है ये, अगर दूध बढ़ता है तो रेट बढ़ेगा और दूध घटता है तो रेट घटेगा। दोनों पशु भाई के दिखाए, इसके साथ में जो काफ है ये देख पा रहे हैं, फीमेल काफ साथ में, और ये भाई के घर के जो तैयार किए हुए पशु हैं जो इधर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई साहब अपना संपर्क नंबर बता दीजिए। 7 0 2 7 7 0 2 7 2 8 3 3 0 9 7 9 7 ये इनका मोबाइल नंबर है, रेगुलर चल रहा है कोई भी भाई। जी जी, जैसा ग्राहक समझ सकते हैं, जो इतने रिकॉर्ड की भैंस है इतने अच्छे दूध से उठी हुई है वो अच्छी लागत में मिलेगी, तो इंटरेस्टेड जो बायर हो वो ही फोन करे। काफी भाई जो 80,000 की भैंस लेने वाले हैं वो भी फोन कर देते हैं। एक बार फिर से आपको टैग नंबर दिखा रहे हैं, आप जो है सर्च करके देख सकते हैं। और ये दोनों भैंसे भाई के पास हैं, बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो भी खरीदना चाहता है मोबाइल नंबर है वो रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है। सभी भाई जुड़े, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।